हम क्यों नमाजों से मोहब्बत नहीं करते? बेनमाजी, मैं आपको यकीन करें, वो वईदे सुना नहीं सकता, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जुर्म कितना बड़ा है। तुम्हें पूरे दिन में 5 बार अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने का टाइम नहीं मिलता। अल्लाह से वादा कर लो, आज पक्की नीयत कर लो, कुछ भी हो जाए आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। आपको पता है नमाजी को तोहफा क्या मिलेगा? हाय हाय, नमाज के फजाइल तो सुनो यार। नमाज को इमादुद्दीन कहा गया, द पिलर ऑफ इस्लाम। इस बिल्डिंग में किसी भी बिल्डिंग के पिलर निकाल दें, बिल्डिंग का क्या होगा? गिर जाएगी ना। हमारी बिल्डिंग में पिलर ही नहीं, अगर ईमान, ईमान का पिलर है इस्लाम, नमाज जो है। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाजी को पुल सिरात पर नूर अता किया जाएगा, नमाजी की कब्र रोशन कर दी जाएगी, नमाजी की कब्र को ताहद निगाह वसी कर दिया जाएगा। और सुनो, सबसे बड़ा इनाम जो नमाजी को मिलेगा कि उसे बरोजे कयामत अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। जिस खालिक ने मुझे बनाया उसका दीदार मुझे कराया जाएगा, फिर मैं नमाज कैसे छोड़ दूं? और इसके बरअक्स अशजाउल अकरा, हदीस के अल्फाज में बयान कर रहा हूं, एक गंजा सांप बेनमाजी पर कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा, जो कयामत तक नमाज न पढ़ने के सबब उसे मारता रहेगा। कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या फायदा इतने बड़े बड़े घरों का, इतने प्यारे बेडरूम्स का और इतने खूबसूरत बाथरूम का, जिस कब्र में जाना है अगर वह सांप और बिच्छू है तो बेकार है ये घर। अरे दुनिया में अल्लाह ने अच्छे घर दिए, अब कब्र भी अच्छी बनाने की फिक्र करो ना, कि मैं मरूं तो उधर भी चैन से रहूं। तो सबसे पहला फर्ज नमाज है, सबसे पहली बड़ी नेकी नमाज है। लोग कहते हैं वज़ाइफ बताओ, क्या खूबसूरत बात मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, फरमाते मुसलमान मर्द बालिग के लिए सबसे बड़ा वजीफा 5 वक्त की नमाज है। नमाज पढ़नी नहीं और वज़ाइफ पूछने, पहला वजीफा नमाज है। तो आज नियत करके जाना है। और सुनो, बेनमाजी के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर बताया कि बेनमाजी को कब्र ऐसे दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाएंगी। कैसे सह सकेंगे? बहाने ना करो नमाज से, तबीयत ठीक नहीं है तो फलां काम है, किसी सूरत में नमाज माफ नहीं है। लेकिन हाँ यार, थोड़े थोड़े बहाने पर यार, बस आज तबीयत ठीक, अगले जुम्मे से नमाज पक्की, बस अभी 2 दिन बाद नमाज पढ़ूंगा। नहीं, आप जहाज में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, आप सफर में हैं, आप घर में हैं, आपने नमाज पढ़नी है। और यकीन करें, खुशनसीब हैं वो लोग जो नमाज के पाबंद हैं। यकीन करें, उनको नमाज के बगैर चैन भी नहीं आता। जो पक्के नमाजी हैं ना, उनसे मिले आप कभी, और माशाल्लाह यहां बहुत सारे ऐसे हैं, उनको तो चैन, जिस तरह खाना नहीं खाया बगैर चैन नहीं आता, लगता है अभी तक ईशा नहीं पड़ी यार, अभी मेरी जोहर बाकी है। अब उनको रिकॉल अंदर से आती है, उनको याद नहीं करवाना पड़ता। जिस दिन तुमने नमाज की आदत बना ली, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी।